मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां 22 वर्षीय युवती को कार में अपहरण कर गैंगरेप का मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दरअसल मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक पीड़ित युवती ने पुलिस को शिकायत की है कि 3 वहशी युवकों द्वारा उसका अपहरण कर कार में ही एक सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर सुनसान इलाके में छोड़कर फरार हो गए। बहरहाल पीड़ित युवती की शिकायत के बाद तीनों आरोपी अजीज अहमद और अकरम के खिलाफ गैंगरेप के मामले में प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पूरे मामले को पुलिस ने संदेहजनक भी बता रही है, जहां पीड़ित युवती नंदानगर में किराए से रहती थी और किराए का मकान खाली कराने को लेकर मकान खाली कराने के विवाद के बाद झूठी शिकायत गैंगरेप की कराई गई। तो फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर अपनी जांच कर उचित कार्रवाई की बात कर रही है। सर, एक पीड़ित महिला द्वारा शिकायत की गई कि उसके साथ कार में 3 लोगों ने गैंगरेप किया और फिर उसे एक सुनसान इलाके में छोड़ दिया गया, किस तरह का मामला है और अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने? पुलिस ने इसमें फरियादिया की रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है और प्रथम दृष्टि जो भी तथ्य आ रहे हैं उसकी पुष्टि की जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे हिसाब से इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या बताया पीड़िता द्वारा कि कौन लोग हैं? जो पीड़िता द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है उसमें कुछ पुराना विवाद भी सामने आ रहा है कि मकान को खाली कराने को लेकर कुछ पुराना विवाद हुआ था। जो आरोपी पक्ष है उसके परिजनों द्वारा ये बात बताई जा रही है कि कुछ समय पहले पटेशीपुरा क्षेत्र में पीड़िता जो है वो किराए से रहती थी और उसको किराएदारी से हटाया है, उस बात पर कुछ विवाद चल रहा था। सर, कितने लोगों के विरुद्ध इसमें 3 लोगों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।